Hi guys, hello everyone and welcome back to another video. तो guys, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं एनएलयू ओडिशा के बारे में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के बारे में. सो मैंने बहुत सारे वीडियो बहुत सारे रिव्यूज के ऊपर बनाया है और बट मेरा ये मानना है कि मैं मानता हूँ कि मैं किसी कॉलेज का रिव्यू दे सकता हूँ. ऑफकोर्स मैं डिटेल्स निकालूंगा, वेबसाइट से निकालूंगा, चीजों से निकालूंगा और पूछूंगा भी कुछ लोगों से. बट बेस्ट चीज क्या होती है कि उस कॉलेज का, उस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मैं स्टूडेंट को लाया हूँ, उन स्टूडेंट्स को लाया हूँ जो उस कॉलेज की रियलिटी और जो चीजें हैं उस कॉलेज के बारे में वो खुद अच्छे से आपको बता पाएंगे. उन चीजों को आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे. सो इट्स अ रियली ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस. सो वी हैव टू गेस्ट विद अस. हमारे साथ दो लोग हैं, दो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है. वी हैव विद अस देवांग एंड सुमेश. तो हम लोग सेम कोचिंग में थे, तो हम लोग का बैच सेम नहीं था, बट लेकिन क्या था कि हम लोग का बैच चेंज था, बट हम लोग क्लब बैच, सुपर क्लब और लीजन में से साथ में थे. वाइल देवांग भी एक मेरा नया ही फ्रेंड बन रहा है और देवांग इज अ फ्रेंड ऑफ सुमेश और साथ में अब हम लोग आ गए. देवांग इज फ्रॉम भोपाल. दोनों ही बहुत ही अच्छी रैंक के साथ एनएलयू ओडिशा में है. सो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक से बात करने वाले हैं. सो गाइस, आज का हमारा मेन जो पहला पॉइंट होने वाला है कि लाइफ एट एनएलयू ओडिशा. एनएलयू ओडिशा में मींस कैसी लाइफ है, कैसा सब कुछ है और मेनली क्या है कि कैंपस कैसा है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जानने पाए चाहेंगे हम लोग. हाय एवरीवन, जैसा कि आप बता सकते हैं एनएलयू का आपका कैंपस जो है 50 acres का है एज पर द वेबसाइट. और आस पास इसके थोड़ा ये आउटर्स पे पड़ता है वो कटक के, और आपके जो शहर से इसकी लगभग दूरी, मतलब मेन अगर आपको सिटी वगैरह कॉलोनीज वगैरह देखनी तो एक CDA सेक्टर 10 पड़ता है. ये हमारा कॉलेज CDA सेक्टर 13 में पड़ता है और ये CDA सेक्टर 10 और 9 से आप लोगों के रहने के लोग वगैरह रहते हैं. बीच में काफ़ी जंगल सा एरिया है और आस पास कथजोड़ी और महानदी नदी की ये जंक्शन पे है कैंपस. तो काफ़ी अच्छी नेचुरल सीरीन एनवायरनमेंट रहता है, काफ़ी प्लेजेंट और शांत एनवायरनमेंट है कैंपस का और शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, शहरी ट्रैफिक से बिल्कुल दूर है. इसके अलावा एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कैंपस बहुत आउटर पे है तो कैंपस के बाहर शॉप्स वगैरह की काफ़ी दिक्कत है. तो 1 किलोमीटर दूर कैंपस से दूर एक जगह पड़ती है नाराज, वहाँ पे थोड़ा शॉप्स वगैरह हैं कि बच्चे घूमने फिरने जा सकते हैं, बट नॉट दैट गुड. बट हाँ, अगर आप इधर शहर की तरफ जाते हैं कटक के लिए तो आपको सारी फैसिलिटीज वहाँ पे मिल सकती हैं. तो मींस थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है एनएलयू ओडिशा थोड़ा सा. नमस्कार, ये जो भाई लोग को आप देख रहे हैं ना, इन भाई लोग को लगाने के लिए, मंगाने के लिए, यहाँ पे जूम पे लाने के लिए बहुत एफर्ट लगा है. एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो गाइस, अगर आपको क्लैरिटी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप करना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन एन अकेडमी पे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, साथ में एनएलयू एलुमनाइज आपको पढ़ाएंगे क्लैट के सारे सब्जेक्ट. रेज हैंड का ऑप्शन ऐसे आप जूम पे पढ़ते हैं ना, कुछ वैसे सिस्टम अब अनअकैडमी पे भी आ गया है. अनलिमिटेड क्विजेस आ गई हैं, कहीं भी बैठे हों, कहीं से भी दे रहे हो, आप इस क्विजेस को और पूरे सेशन को क्लासेस आराम से ले सकते हैं. नेशनल लेवल के मॉक टेस्ट, सेक्शन लेवल के मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ होते रहते हैं. वीकली स्ट्रेटेजिक सेशन होते रहते हैं. सो गाइस, 4 अगस्त से एक नया बैच चालू हुआ है, इसका नाम है वॉरियर बैच. ये हिंदी के दोनों में रहेगा, ब्लैड 2021. ये बैच 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स है. तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं. इट्स लेस देन द प्राइस ऑफ चाय और पोहा का जो दाम होता है दिन का, उससे भी कम दाम में आपको मिल रहा है. अगर आपने एलॉफ्ट का कोड लगा दिया सो यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट. तो अभी कुछ ऑफर है, आपको कुछ मंथ फ्री मिल रहे हैं. गाइस, अनअकैडमी का लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट और अकेडमी का वीकली क्विज टेस्ट, ये सब चलते रहते हैं. तो ये सब फ्री क्विजेस हैं, आप वैसे भी जाकर दे सकते हैं. संडे 1 अगस्त को मेगा GK टेस्ट सीरीज, तो ये बहुत ही अच्छा एनालाइज करने का तरीका है, आप वहां जाकर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं. एंड दी एंड मैं बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो क्लैट यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अमेजिंग यूट्यूब चैनल है. इवन आई फॉलो, मैं बहुत चीजें देखता रहता हूँ. सो आप अगर क्लैट स्टूडेंट है तो वहां जाके आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं. स्ट्रैटेजीज वीडियो टॉपर्स की आते रहते हैं. दैट्स ऑल फ्री, फ्री के मटेरियल को नहीं छोड़ने का. तुरंत जाके उन वीडियोस को देखिए और चैनल सब्सक्राइब करिए. ओके, और लाइब्रेरी वगैरह भी तुम्हारे यहाँ कैसी है? एक हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी है और एक एज पर द एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक लाइब्रेरी बन रही है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में, एक प्लेजेंट लाइब्रेरी और एक दूसरी बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रही है लाइब्रेरी की. ओके, सो लाइब्रेरी तो जैसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई किसी भी एनएलयू के लिए. लाइब्रेरी अभी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक और तैयार हो रहा है. प्रेजेंट लाइब्रेरी हमारी एकेडमिक ब्लॉक में है. अच्छा,
और जो नई लाइब्रेरी तैयार हुई वो अकेडमिक से बाहर के सामने बाहर पड़ती। तो भाई जैसे तुम फर्स्ट टाइम ऐसे एंटर कर रहे थे तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पहले कुछ होते हैं ऐसे एंटर करते हो कि इतने बजे आना है इतने बजे जाना है? जैसे हमारे आर्मी एनएलयू में भी था कि इतने बजे एंटर कर जाना है, शाम को 6 बजे के बाद लीव नहीं कर सकते। बट एक्चुअली रियलिटी में क्या थी, आदमी स्टूडेंट्स रात के 10-8-9 बजे तक आराम से इजीली एंटर कर सकते थे। पहले दिन तो फाइन भी लगा था इनिशियली। तुम्हारे यहाँ कैसे एनएलयू उड़ीसा में क्या है? कैंपस इन टाइमिंग्स और हॉस्टल इन टाइमिंग्स तो है हमारे भी। कैंपस इन टाइमिंग अराउंड 7 PM है और हॉस्टल इन टाइमिंग्स अराउंड 1 AM है। लेकिन आप अकेडमिक ब्लॉक पे जब तक आपको पढ़ना है तब तक आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसा 1 बजे आकर ये नहीं बोलेगा कि आप हॉस्टल चले जाओ। अच्छा, तो आप आराम से पढ़ सकते हो अकेडमिक ब्लॉक में, लेकिन आप कैंपस में नहीं घूम सकते। हॉस्टल इन टाइमिंग्स अराउंड 1 AM है और 1 बजे के बाद आप नहीं घूम सकते। अच्छा, ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम है कि अलग अलग होता है? जैसे अलग बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सेम है, अलग अलग। ओके, सो ऐसे हमारे एनएलयू में क्या है कि थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है। इस गर्ल्स की टाइमिंग अलग है एंट्री में कैंपस में, बॉयज की भी टाइमिंग्स अलग है, थोड़ा सा ये हमारे यहाँ चीजें रहती हैं। अच्छा, तो कल्चर तुम्हारे जब चेंज हुआ, मतलब जैसे तुम भाई जैसे तुम भोपाल से हो ब्रो दिवांग, एंड सुमेश भी लखनऊ से है, सो एज अ नॉर्थ इंडियन बेल्ट कह सकते हो, उसके बाद तुम एकदम उड़ीसा जा रहे हो थोड़ा सा, तो एकदम मतलब चेंज हो रही है चीजें, और थोड़ा सा लेस डेवलप्ड भी स्टेट कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्राइबल स्टेट। पता नहीं क्या तुम्हें कैसा फील हुआ वहाँ पे, कल्चर एज अ कल्चरल चेंज कैसा लगा तुम लोग को? मुझे ज्यादा कल्चरल चेंज नहीं लगा, क्योंकि मुझे मतलब आपको लगेगा कि आप उड़ीसा जा रहे हो तो उधर के लोग जो होंगे वो उड़िया में ही बात कर दूंगे, हिंदी में ही बात कर दूंगे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा है कि हिंदी आती हो तो भले ही कम आती लेकिन आती है, आपको कॉन्वर्जेशन आप कर सकते हो उनसे। और मैं ज्यादातर हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल कैंपस में आपको अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जगह दी गई है, नेस कैफे है, कैंटीन है, तो आपको जब भी जरूरी काम पड़ता है तब आप कटक जाते हैं। तो मुझे इतना कल्चरल चेंज नहीं लगा। और एनएलयू का जो कल्चर है, एनएलयू में जितने भी एनलॉइड्स हैं वो भी डाइवर्स कल्चर के, तो ऐसा मुझे लगा। ओके, चलो ये तो शायद अच्छी बात है कि कल्चर चेंज, बिकॉज तुम शायद हॉस्टल के अंदर ज्यादा रहे और अंदर कल्चर में ऐसा वैरायटी बहुत ज्यादा है, हर स्टेट से लोग हैं होंगे ऐसा तुम्हें लगा होगा। तो स्टूडेंट मोस्टली क्या सारे पार्ट ऑफ इंडिया से, क्या स्पेशली नॉर्थ इंडिया ज्यादा है या ओडिया ज्यादा है, ऐसा कुछ है कि कुछ पार्ट से थोड़े डोमिनेट थोड़ा ज्यादा मेजोरिटी है, लेकिन हर जगह से कोई ना कोई है, मतलब भले कम क्वांटिटी है लेकिन है। तो मीन्स प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, मीन्स कोई स्टूडेंट कहीं महाराष्ट्र से आता है वो आएगा तो थोड़ा सा वैसा फील नहीं करेगा। एक चीज का और फर्क पड़ता है कि हमारे बाद जो है डोमिसाइल रिजर्वेशन लगे हमारे बैच के बाद। डोमिसाइल रिजर्वेशन है? हाँ, अभी उसके बाद ही लगा था शायद हमारे कॉलेज के बाद। ओके ओके, तो मतलब उससे थोड़ा डेमोग्राफी में फर्क आता है, बट वही डाइवर्सिटी अभी भी है। तो ये तो भाई एक अच्छा है, एनएलयू नेशनल इंस्टीट्यूशन है, डाइवर्सिटी होती है तो एक मतलब एज अ सब चीज एक्सपीरियंस कर पाते हैं एनएलयू में। डाइवर्सिटी आपको काफी मिलेगी क्योंकि डाइवर्सिटी वहां पे नॉर्थ से साउथ तक और नॉर्थ ईस्ट से तक लोग आते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है भाई। तो काफी पूरे इंडिया का एक्सपोजर मिल सकता है आपको, मिन इंडिया टाइप का है वो। तो भाई जैसे क्या तुम्हारे कैंपस में जैसे जैसे मेरी क्लासरूम्स होंगे, एकेडमिक ब्लॉक होगा, तो क्लासरूम से क्या एसी वगैरह भी है कि नॉर्मली क्लासरूम्स हैं, कैसे क्लासरूम्स हैं? नहीं, क्लासरूम्स में आपके एसी वगैरह हैं, अच्छे से मतलब सेंट्रलाइज्ड एसी हैं और लेक्चर हॉल्स काफी वेल वेंटिलेटेड हैं, काफी ओपन है, स्पेस स्पेशियस है काफी। एक क्लास में वो बहुत बच्चों को कंसंट्रेट नहीं करते हैं, स्पेशली लेक्चर हॉल्स तो काफी अच्छे हैं। ओके, तो जैसे तुम लोग क्या ऐसे अभी यहां पे थे कॉलेज में थे, बहुत कम दिन रहे होगे तुम लोग, आई थिंक 6 मंथ्स कैसे कितने दिन रहे? यस, 6 7 मंथ्स। ओके, तो बहुत एक्सपीरियंस तुम लोगों ने नहीं ले पाया होगा, ऐसी जो बात है भाई। ओके, आप वैसे यही रीजन है, और क्या तुम लोग घूमने भी जाते थे क्या, मतलब कभी कभी क्या एज अ वीकेंड में? तो वीकेंड के साथ ही एक और फैसिलिटी बता देते हैं, कॉलेज से एक बस चलती है हमारे, वो कॉलेज की ही बस है, वो शाम को आपके 4:30 बजे जाती है और 7:30 बजे वो शहर, वो 4:30 बजे आपको शहर छोड़ देती है, फिर वो 7:30 बजे वापस आती है, उसी बस से आप आ सकते, एक जगह पे वो खड़ी रहती है शहर में।
तो मतलब और वहाँ वो आपको मेन सिटी में छोड़ देगी, वहाँ मेन सिटी से आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके कहीं भी जा सकते हैं। तो जो एक आपका बहुत लंबा कम्यूटेशन होता है मेन सिटी तक जाने का, वो आपका काफी बच जाता है। तो उसी में बच्चे वीकेंड वीकेंड्स पे, ये बस मंडे टू सैटरडे तो जाती है आपकी कटक, और सैटरडे को संडे को जाती है भुवनेश्वर ओके सुबह 10 बजे, और शाम को 4 बजे, शायद 4 साढ़े 4 बजे, मुझे एक्यूरेटली नहीं याद है, लौटती है वो बस। तो उस टाइम पे बच्चे भुवनेश्वर वगैरह भी घूम सकते हैं अपना, और कटक में तो आप एक बार गए तो कटक में घूम सकते हो। बस का कोई वैसा रूल भी नहीं है, अगर आप बस मिस हो जाती तो आप प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट करके भी आ सकते हो। बस वही ऑटो वगैरह वाले जो होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा अपने हिसाब से चार्ज करते हैं इस चीज़ का। प्रॉपर लेकिन कनेक्टिविटी बहुत है कॉलेज तक मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? अभी प्रेजेंटली थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं कनेक्टिविटी को लेकर, मतलब जैसे प्राइवेट ऑटोज हैं और कैब वगैरह हैं वो तो आपको मिल जाएंगी, बट थोड़ा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस वो लोग चार्ज कर देते हैं कई बार। तो कॉलेज की बस ही लोग प्रेफर करते हैं, और कॉलेज अगर जैसे बहुत सारे बच्चे और एक साथ हॉस्टल लीव कर रहे हैं, जैसे सेमेस्टर ऑफ हो रहा है, तो कॉलेज खुद ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स वगैरह छुड़वा देती है बच्चों को। ये तो एक बंदा उसके बहुत अच्छी अलावा चीज है यार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल सकता है कॉलेज से 2-3 किलोमीटर दूर पे, सीडीए सेक्टर 10 और 9 पे गवर्नमेंट मो बसेस चलती हैं उनसे। ओके 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 दिवांग आप कुछ कह रहे बस थे? तो बस थोड़ा प्रॉब्लम है जब आपको कैंपस से सिटी जाना है कटक, तो थोड़ा प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी, क्योंकि ज्यादा नहीं मिलते, और ओला नहीं, मतलब जैसे ये ऑनलाइन जो सर्विस होती है कैब सर्विस, तो वो उसके भी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको सिटी से कैंपस आना तो आसान है, लेकिन थोड़ा कैंपस से सिटी जाना। बट लेकिन ये मतलब तुम्हारे एनएलयू की बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, मतलब ऐसा एनएलयू दे रहा है। आई थिंक कौन सा एनएलयू देता होगा, कोई बहुत कम होंगे अगर होगा, मैं सुना नहीं कभी ऐसा कि आपको मेन सिटी से कनेक्ट करने के लिए एवरीडे बस जा रही है, और भुवनेश्वर भी एक दिन 2 दिन आती है बता रहे वीकेंड में। संडे में, संडे को, वाह संडे संडे मतलब ये तो भाई बढ़िया, मतलब घूमने के लिए भी जा सकते हो। तो मतलब लाइफ अगर देखा जाए जरूर आउटस्कर्ट में है, बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी भाई, जाओ भुवनेश्वर भी जा सकते हो, कैलीकट जो भी तुम्हारे सिटी। दे आर मेड एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू मेक यू कनेक्ट विद द सिटी। करेक्ट करेक्ट एंड कैंपस में ही बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैंपस में ही 6 से 7 शॉप्स और कैफेज वगैरह हैं जहाँ पे लगभग सारा जरूरत का सामान मिल ही जाता है। मेडिसिन वगैरह का क्या है, कैंपस में ही डॉक्टर अवेलेबल हैं, और वो जो मेडिसिन बताते हैं और जिन फार्मेसी से बताते हैं, आप उनको कॉल कर दो, मेडिसिन आपकी आ जाती है हॉस्टल में ही, अवेलेबल हो ओके जाती जी। है। नहीं, सही। और ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह सामान की होती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट चलता है साथ। ओके करेक्ट। तो फूड डिलीवरी भी हो रही है? फूड डिलीवरी तुम्हारे यहाँ? मुझे नहीं फूड दिमाग में डिलीवरी आइडिया। होती है, जोमेटो स्विगी ये सब अवेलेबल है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब जैसे आपको डोमिनोज, केएफसी ये सब थोड़े कटक के दूसरी पार्ट में है, तो ओके हाँ दूसरे एकदम एंड सिटी के में है, ऑपोजिट में है तो वो। वो ऑर्डर नहीं हो सकता है, तो आपको सिटी के वहां पर ही जाकर। समझे समझ गए भाई। चलो फिर वैसे तो बढ़िया लग रहा है, बट थोड़ा सा आउटस्कर्ट में बट सारी फैसिलिटी है। अच्छा ड्रेस कोड क्या है तुम लोग का, क्या ड्रेस कोड कुछ है? ड्रेस ड्रेस कोड कोड है, कुछ ड्रेस कोड कुछ नहीं है, बस आपको एक डिसेंट एक्सपेक्ट करता है कॉलेज की, आप एकेड में आओ, कैजुअल्स ही रहते हैं हाँ हाँ, बट सेमी फॉर्मल सेमी कैजुअल टाइप का, कोई उनका वैसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। बस एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जब आप जा रहे हो तो आपको प्रॉपर एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जैसे हमारे यहाँ आर्मी एनएलयू में क्या है ड्रेस कोड का, कि ड्रेस कोड तो चलो एक दिन होती है, जस्ट इनिशियल जो पहला सेमेस्टर होता है उसमें अरे मंडे ट्यूसडे को होता है वो पहना होता है, पर वो भी हम लोग नहीं पहनते थे, टीचर भी समझ जाता था कि भाई पहने या कोई नहीं, बहुत चलता फॉर्मल्स होता था। लेकिन बड़ी बात क्या थी भाई, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मेरी फ्रेंड थे यार, हॉस्टल में रहते थे भाई, जो पहन के सोए थे वही पहन क्लास में बैठे। एक दिन तो टीचर ने भगा दिया था एक को वहीं से, क्योंकि जो है भाई मतलब एक एकदम शैबी लुक नहीं रख सकते आप। हाँ थोड़ा भाई सो के उठा था भाई वो सो ये थोड़ा सा मतलब, हाँ थोड़ा सा मतलब डेकोरेम मेंटेन करना है भाई, क्लास हो हाँ, एक रही डेकोरम रखिए भले, है। हाँ लेकिन कैजुअल सी आप पहनते डेकोरम रखना। नहीं नहीं भाई ठीक है, ये तो भाई लाइफ एट एनएलयू के बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलयू है जा रहे हो सिर्फ मतलब पढ़ाई करने नहीं आ रहे हो, बहुत चीजें आप देख रहे हो वहां पे, एक्सपीरियंस दे रहे हो।